Hello everyone, welcome back, and let's start with part 2 of video for class 9 science and CRT chapter 1, that is matter in our surroundings. We'll be starting with part 2 of this video now. So in the earlier part you have studied all about matter, what is matter, what is matter made of, what are the properties of particles of matter, how they are arranged, what type, different states of matter, and you have learned some basic properties of these states of matter. So now we will learn about interconversion of different states of matter, how one state gets converted into another state of matter. So this we will be dealing in two aspects, interconversion of states of matter. Basically hum do tarike se padhenge. One will be effect of temperature. एक हम पढ़ेंगे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है. अनदर विल बी द इफेक्ट ऑफ प्रेशर. प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, उसके हिसाब से कैसे स्टेट चेंज होती है. सो फॉर दिस वी विल बी डूइंग वन एक्टिविटी. एक्टिविटी क्या है, आपको लेनी है आइस. यू विल टेक आइस. थोड़ी सी हमने बर्फ ली. वी विल टेक आइस. पुट इट इनसाइड अ बीकर ऑन अ स्टैंड एंड वी विल लाइट अ बर्नर. और इसके अंदर, इस बीकर के अंदर हमने इंस्टॉल कर रखा है ये थर्मोमीटर. थर्मोमीटर इट इज़ ऑफ कोर्स इट इज़ यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर. टेम्परेचर इसकी SI यूनिट क्या होती है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट. दिस इज़ मेजर्ड इन केल्विन. केल्विन में मापते हैं. ऑलराइट. सो हम नोटिस क्या करेंगे इस एक्टिविटी में. इस एक्टिविटी में आप सबको पता है आइस दिस इज़ अ सॉलिड. आइस दिस इज़ अ सॉलिड. और हम हीट कर रहे हैं. इट मीन्स what we are basically doing, we are increasing temperature. Temperature बढ़ा रहे हैं, continuously temperature बढ़ा रहे हैं. तो इस ice को मैंने वैसे ही जैसे हमने पहले पढ़ा था particles की form में arrange कर लिया. इसको particles की form में arrange कर लिया. तो solids they have their particles, they are very tightly packed. बहुत ज़्यादा closely spaced होते हैं, उनके बीच में gaps नहीं होते. It means उनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होती हैं, बहुत हाई. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे आर वेरी हाई. तो जैसे जैसे टेम्परेचर हम इंक्रीज करते जाएंगे दीज पार्टिकल्स विल गेन एनर्जी. दीज पार्टिकल्स विल गेन एनर्जी. एनर्जी गेन करेंगे तो क्या करेंगे, दे विल लीव देयर ओरिजिनल पोजिशन. जिस पोजिशन पर पैक्ड थे दे विल लीव देयर पोजिशन. उस पोजिशन को छोड़ेंगे. अब उस पोजीशन को छोड़ेंगे तो इनके बीच में स्पेस आ जाएगा. बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. एंड दीज सॉलिड्स दे विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड्स. दे विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड्स. फर्दर मोर व्हेन इफ वी कीप ऑन सप्लाइंग हीट एंड वी कीप ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर व्हाट विल हैपन, दीज पार्टिकल्स दे विल मूव मच मोर क्विकली. दे विल गेन मोर काइनेटिक एनर्जी एंड द स्पेसिस बिटवीन देम बिकम्स वेरी लेस एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल ऑल्सो बी वेरी लेस. सो दीज विल कन्वर्ट इन टू गैसेज. दिस इज द ऑब्जर्वेशन. बर्फ सॉलिड आइस इट विल कन्वर्ट इन टू वाटर. फर्दर मोर इफ यू कीप ऑन हीटिंग इट इट विल कन्वर्ट इन टू वेपर. अब यहाँ पर समझते हैं सारा सिस्टम है क्या. वो टेम्परेचर हमने थर्मोमीटर इंस्टॉल कर रखा है. द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स, सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. वॉट इज दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर. नाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, इट इज़ द प्रेशर एग्जर्टेड. इट इज़ द प्रेशर एग्जर्टेड बाय एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ. और सी लेवल के ऊपर हम इस प्रेशर को मानते हैं वन एटमॉस्फेयर. दिस प्रेशर इज कॉल्ड एज वन एटमॉस्फेयर. अदरवाइज प्रेशर की स्टैंडर्ड यूनिट होती है पास्कल. वन एटमॉस्फेयर में 1.01 इंटू 10^5 पास्कल्स होते हैं. सो बात कर रहे थे उस टेम्परेचर की, जिस टेम्परेचर पर ये बर्फ पानी में कन्वर्ट हो जाएगी, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, वी विल कॉल दैट एज मेल्टिंग पॉइंट. दैट टेम्परेचर विल बी कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट. उस टेम्परेचर को बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट. सिमिलरली
the temperature at which this liquid gets starts boiling and starts converting into vapors at atmospheric pressure, that is called as its boiling point. This is called as its boiling point. अब ये जो melting point है ये indicate क्या करता है किसी भी substance का. Suppose करो कि मैं बोलता हूँ कि melting point of ice is 0 degree Celsius. 0 degree Celsius पर बर्फ पिघल जाती है and it converts into water. And suppose I am taking one another substance, I say that melting point of diamond is 6000 degree Celsius. इसका इन दोनों temperature है basically. Melting point, this is expressed in terms of temperature. Then what does this temperature signify? कि एक का melting point 0 degree Celsius है, एक का melting point 6000 degree Celsius है. Basically, the melting point of any substance, melting point of any substance indicate the strength of force between particles of that substance. कि जिस भी चीज से वो बनी है उस पार्टिकल्स के बीच में अगर स्ट्रेंथ उस फोर्स बहुत ज़्यादा होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा होगी, तो हमें बहुत ज़्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी उस फोर्स को ब्रेक करने के लिए. तो जिनमें ज़्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी उनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा? हाई. जिनमें कम हीट सप्लाई करनी पड़ेगी उनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा? लो. सो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एनी सब्सटेंस बेसिकली इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ force between the particles of that substance. So moving on, बात करते हैं यहाँ पर solid से liquid में बदल गया, तो बात करते हैं सबसे पहले fusion की. Fusion का मतलब क्या होता है? Fusion का मतलब ही होता है basically solid का fuse हो जाना in liquid. Solid का fuse हो जाना, fuse means convert हो जाना in another state of matter called liquid. This is called as fusion. इसी को हम क्या बोलते हैं? Fusion. The conversion of a solid into a liquid, this is called as fusion. अब ये latent heat वाला concept क्या है? What is latent? Basically meaning समझो, latent का मतलब होता है hidden. Latent means hidden. Hidden का मतलब छुपा हुआ. पिछली activity में आपने देखा कि पानी को गर्म ice को हम melt करे जा रहे थे. दिस इज आइस, ये आइस का टुकड़ा है, इसको हम मेल्ट कर रहे थे. कहते हैं जी 0 degree पर मेल्ट होता है. 0 degree सपोज करो ये 0 degree Celsius टेम्परेचर है. अब यहाँ पर ये आइस का टुकड़ा छोटा सा रहता है और नीचे है इसके पानी, नीचे है इसके पानी, इसी आइस से मेल्ट हुआ हुआ पानी. तो बर्नर इसके नीचे अभी भी ऑन है, हम कंटिन्यूसली हीट सप्लाई करते जा रहे हैं. ये इसके अंदर एक थर्मोमीटर लगा हुआ है. तो आप लोग क्या देखोगे कि जब आइस मेल्ट होना शुरू होता है, व्हेन आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग, व्हेन आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग, दैट इज कब होती है मेल्ट? एट मेल्टिंग पॉइंट. एट मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट पर आने के बाद जब हम हीट सप्लाई तो कंटिन्यू करते हैं लेकिन थर्मोमीटर में टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता. थर्मोमीटर में टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता. ऐसा क्यों? कि हम हीट तो सप्लाई कर रहे हैं लेकिन थर्मोमीटर में टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा, तो वो हीट गई कहाँ? बेसिकली ये वही हिडन हीट होती है, छुपी हुई हीट होती है जो किसके काम आती है. इट कन्वर्ट, इट इज़ यूज्ड, दिस हीट इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट solid state to liquid state. ये heat solid state से liquid state में बदलती है कैसे? By breaking force of attraction between particles. उन particles के बीच में जो force होती है उस force को तोड़ती है, ये break करती है, ओवरकम करती है, इसीलिए थर्मोमीटर में रिकॉर्ड नहीं हो पाती और टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो पाता.
दिस वॉज द सिंपल मीनिंग ऑफ लेटेंट हीट. ये होती है लेटेंट हीट का सिंपल मीनिंग. जब हम इसके साथ वर्ड यूज कर देते हैं फ्यूजन, तो ये बन जाती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बेसिकली अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो कौन सी हीट होगी. मैंने बताया कि लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है, हिडन हीट. सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड into liquid at its melting point. At its melting point, remember this is very important, at its melting point, क्योंकि ऐसा सिर्फ melting point पर पहुंचने के बाद ही होगा. Same is the case of vaporization. Vaporization का meaning क्या होता है, conversion of liquid into vapors. This process is called as vaporization. So यहाँ पर क्या होगा, 1 kg liquid आपको convert करना है into vapors at its boiling point. क्योंकि boiling point पर जाने के बाद वो heat use होना शुरू हो जाएगी to break the force of attraction between liquid particles. So the heat required to convert 1 kg of liquid into vapors at its boiling point, this is called as latent heat of vaporization. इसी को हम बोलते हैं latent heat of vaporization. So vaporization हो गया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो गया. यहाँ पर थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे बॉयलिंग. बॉयलिंग क्या, विल डिस्कस इट विद इवेपोरेशन ऑल्सो. सो वन मोर थिंग, प्लीज ट्राई योर सेल्फ एंड फाइंड आउट टेम्परेचर कन्वर्जन फार्मूलाज. टेम्परेचर कन्वर्जन फार्मूलाज आपको ये फार्मूलाज खुद से फाइंड आउट करने हैं. डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना, या फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना. प्लीज़ दिस इज़ सम सॉर्ट ऑफ होमवर्क फॉर यू टू डू. नेक्स्ट वी विल डील विद अनदर पार्ट, दैट इज़ टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड द कन्वर्जन ऑफ solid into liquid based on effect of temperature. Now we will see the effect of pressure. Pressure का effect क्या होता है. See, सबने cylinder देखा, you all have seen the cylinder. तो ये एक cylinder है, इसके अंदर gas भरी हुई है और ये इसका piston है. This is the gas. अभी इस पिस्टन को नीचे प्रेस कर दिया और नीचे प्रेस कर दिया, इस पिस्टन को यहाँ पर ले आए तो सारे गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ आ गए. तो यहाँ पर इस एक्टिविटी में ऑब्जर्व करो, यहाँ पर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स इज मोर. स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स इज मोर. दिस इज पिस्टन, दिस इज सिलेंडर. जैसे ही पिस्टन को नीचे कंप्रेस किया तो स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स इज लेस. स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स बिकम्स लेस. बेसिकली हमने कंप्रेस कर दिया, उसको नीचे दबा दिया, तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस जब कम हो जाएगा, पार्टिकल्स एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे, तो बेसिकली क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ स्टेट. दिस इज अ मेथड दैट इज यूज टू लिक्विफाई गैसेज. ये मेथड यूज होता है टू लिक्विफाई गैसेज. बेसिकली गैस लिक्विफिकेशन की प्रोसेस जो होती है उसमें क्या करते हैं, वी इंक्रीज प्रेशर. हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं बट वी रिड्यूस टेम्परेचर. वी रिड्यूस टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंक्रीज किए बिना या फिर टेम्परेचर को घटाकर. यहाँ पर एक केस है,
सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड CO2, इसे क्या भी बोलते हैं, ड्राई आइस, दिस इज कॉल्ड एज ड्राई आइस. व्हाई इज इट कॉल्ड एज ड्राई आइस, बिकॉज सॉलिड CO2 दिस इज स्टोर्ड अंडर वेरी हाई प्रेशर. इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर के नीचे स्टोर करना पड़ता है तभी ये सॉलिड बनती है, अदरवाइज CO2 इज अ गैस, एवरीबडी नोज इट. बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर देंगे, इट कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड, तभी हम उसको सॉलिड CO2 बोलते हैं. इसमें जब भी टेम्परेचर 1 atmosphere के क्लोज आएगा, दिस ड्राई आइस दिस गेट्स डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म. ये सॉलिड से डायरेक्टली गैस में बदल जाएगी. दिस ड्राई आइस इट कन्वर्ट्स डायरेक्टली इनटू, इट विल बाईपास द लिक्विड स्टेट एंड गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट. सो दिस गिव्स राइज टू वन मोर फिनोमिना, दैट इज कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स directly to gases and gases back to solid. This is called as sublimation. This process is called as sublimation. आप सबने सब्लीमेशन का एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल नोटिस करा होगा, कपूर की गोलियाँ, नेफ्थलीन बॉल्स. दे आर इवन यूज विद क्लोथ्स ऑल्सो, दे आर यूज इन टॉयलेट्स टू डिस्कार्ड द स्मेल also to discard foul smells. होता क्या है, नेप्थलीन बॉल्स थोड़ा सा टेम्परेचर मिलने पर दे गेट्स डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू सॉलिड टू गैसियस स्टेट, और अपने साथ जैसे ही सॉलिड से गैस में बदलती हैं दे टेक अवे द स्मेल also, तो डायरेक्टली गैस में बदल जाते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सब्लीमेशन. सो नेक्स्ट वी विल डू इज Evaporation. Next topic is evaporation. Evaporation आप सबने पढ़ा है basic classes में भी. Evaporation, this is a phenomena of converting liquid into vapors, but at any temperature. This is specific. Evaporation, it occurs at all temperatures. These are some common things about evaporation. The process in which a liquid gets converted into vapors at all temperatures, this is called as evaporation. Moreover, evaporation is a surface phenomena. यहीं पर इसमें डिफरेंस आता है बॉयलिंग में और इवेपोरेशन में. सी बॉयलिंग इट अकर्स एट स्पेसिफिक और इन स्पेसिफिक रेंज ऑफ टेम्परेचर. जैसे वाटर, इट स्टार्ट्स बॉयलिंग एट 95-96 एंड इट्स कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वेपर्स एट 100 degrees Celsius. सो इट अकर्स एट अ स्पेसिफिक और अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ टेम्परेचर, बट इवेपोरेशन इट अकर्स एट ऑल टेम्परेचर्स, ये सभी टेम्परेचर्स पर होती है. Evaporation is a surface phenomena. This I will explain while explaining the factors affecting evaporation. While boiling is a bulk phenomena. Surface phenomena means surface, जितना ज़्यादा surface होगा उतनी ज़्यादा evaporation fast होगी. Bulk phenomena means whenever you take things in more in bulk, so बॉइलिंग वहां पर फास्ट हो जाएगी. नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन और रेट ऑफ इवेपोरेशन. सी जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, फर्स्ट इज सरफेस एरिया, मोर द सरफेस एरिया मोर विल बी इवेपोरेशन. बहुत कॉमन एग्जांपल, कपड़ों को सुखाते समय एक कपड़े को आपने ऐसे करके डाल दिया, एक कपड़े को आपने ऐसे वायर के ऊपर फैला के डाल दिया, इनमें से कौन सा ज़्यादा जल्दी ड्राई होगा? दिस वन विल ड्राई क्विकली बिकॉज सरफेस एरिया एक्सपोज्ड टू सनलाइट और एयर कॉजिंग इवेपोरेशन इज मोर इन दिस केस. वाइल यहाँ पर सरफेस एरिया जो एक्सपोज हो रहा है इवेपोरेशन के लिए वो कम है.
नेक्स्ट इज इंक्रीज इन टेम्परेचर. जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा इवेपोरेशन का रेट भी इंक्रीज हो जाएगा. सो इवेपोरेशन दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर बिकॉज टेम्परेचर इट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स. पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे इंक्रीज हो जाएगी वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे एंड लिक्विड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर. सो इवेपोरेशन विल बी फास्टर. नेक्स्ट थर्ड इज ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? सी ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर. अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर. अब वातावरण में जितनी ज़्यादा नमी होगी इवेपोरेशन उतनी ही कम होगी बिकॉज एयर सी वो जो वेपर्स किसी भी सब्सटेंस से कन्वर्ट लिक्विड से वेपर्स में बन के जाएंगे वो जाएंगे किस में? हवा में. सो लिक्विड से बने वेपर्स वेपर्स दीज वेपर्स विल बी कैरिड बाय एयर. दीज वेपर्स विल बी कैरिड बाय एयर. हवा के पार्टिकल्स के साथ ही अटैच होंगे वेपर्स. सो एयर ऑल्सो हैज अ लिमिटेशन. एयर ऑल्सो हैज अ लिमिटेशन कि वो एक फिक्स क्वांटिटी के ही मॉइस्चर को अपने साथ कैरी कर सकती है. इफ इट ऑलरेडी हैज सम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर विद इट देन इट विल नॉट कैरी मोर मॉइस्चर मोर वेपर्स विद इट. सो जैस अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी एक गिवन टेम्परेचर पर और अमाउंट ऑफ वाटर एयर में ऑलरेडी हाई है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन विल डिक्रीज. रेट ऑफ इवेपोरेशन विल डिक्रीज. इसीलिए आपको बोला जाता है कि जब रेनी सीजन आता है तो चिपचिप वाली गर्मी होती है तो चिपचिप वाली गर्मी में कूलर्स एयर कूलर्स दे फेल. एयर कूलर्स दे फेल. व्हाई? बिकॉज एयर ऑलरेडी हैज मॉइस्चर. एयर ऑलरेडी हैज मॉइस्चर प्रेजेंट इन इट. सो इट कैन नॉट होल्ड एनी फर्दर मॉइस्चर एट दैट टेम्परेचर. तो आपको उसी टेम्परेचर पर एयर और ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड नहीं कर पाएगी. आपको उतनी गर्मी लगती ही रहेगी. सो एयर कूलर्स दे वर्क परफेक्टली ड्यूरिंग ड्राई सीजन. ड्यूरिंग ड्राई सीजन जब ड्राई सीजन होता है और हॉट सीजन होता है तभी ये परफेक्टली काम कर पाते हैं. नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ विंड और विंड स्पीड. जितनी ज़्यादा हवा तेज़ होगी इट विल कैरी मोर मॉइस्चर विद इट. सो विंड स्पीड के साथ रेट ऑफ इवेपोरेशन विल इंक्रीज. रेट ऑफ इवेपोरेशन विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन विंड स्पीड. नाउ नेक्स्ट देयर इज अ इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन. द इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन इज इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग. इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग. इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग. जैसे जैसे इवेपोरेशन होगी वहाँ पर ठंडा फील होगा. क्यों? सी व्हाट इज इवेपोरेशन. इवेपोरेशन का मतलब क्या है? लिक्विड्स का वेपर्स में कन्वर्ट होना. अब जब लिक्विड्स वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं तो कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं? बाय एब्जॉर्बिंग हीट. बाय एब्जॉर्बिंग हीट. हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तभी लिक्विड से किस में बदल रहे हैं? वेपर्स में. अगर हीट को एब्जॉर्ब कर लिया इट मींस टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड. टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड. जहाँ से भी लिक्विड से वेपर बना वहाँ से हीट को एब्जॉर्ब कर लिया तो वहाँ का टेम्परेचर क्या हो गया? कम. एंड आउटर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या है? ज़्यादा. आउटर एटमॉस्फेयर टेम्परेचर इज मोर. तो बाहर के एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर ज़्यादा है आपके सरफेस से जहाँ से इवेपोरेशन हुई है वहाँ से हीट एब्जॉर्ब कर ली वहाँ पर टेम्परेचर कम हो गया. यू विल ऑटोमेटिकली फील कूलिंग. विल ऑटोमेटिकली फील कूलिंग. सो द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड दे एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सरफेस और सराउंडिंग्स टू रीगेन एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग द इवेपोरेशन. इसके बहुत सारे जनरल एग्जाम्पल्स हैं. वट डू पीपल्स डू ऑन अ ब्राइट सनी डे. बहुत ज़्यादा धूप जिस दिन होती है उस दिन शाम को दे स्प्रिंकल वाटर ऑन रूफ्स.
छतों पर पानी फेंकते हैं छतों को ठंडा करने के लिए. Why is this done? Because the large latent heat of vaporization of large latent heat of vaporization it helps in cooling the surface. It helps in cooling the surface. क्योंकि वो heat जो होगी उस surface में वो use हो जाएगी उस लिक्विड को वेपर्स बनाने में जो हम उस पानी को हम छत के ऊपर फेंक रहे हैं. तो वहाँ से अगर हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी सरफेस से तो उसका टेम्परेचर ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा. सिमिलरली वी आर एडवाइज टू वियर कॉटन क्लॉथ्स ड्यूरिंग समर. समर्स में हमें एडवाइज करा जाता है दैट प्लीज वियर कॉटन क्लोथ्स. कॉटन क्लोथ्स समर में क्या होता है, वी स्वेट अलॉट, वी परस्पायर. परस्पायर मीन्स स्वेटिंग, हमें बहुत पसीना आता है समर्स के अंदर. वी परस्पायर अलॉट. तो पसीना इज लिक्विड. सो ड्यूरिंग इवेपोरेशन व्हाट विल हैपन, द सरफेस ऑफ लिक्विड विल गेन एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग्स और आर बॉडी सरफेस. इन दिस केस ये लिक्विड कहाँ पर है, हमारी बॉडी के सरफेस पे. दिस इज प्रेजेंट ऑन आवर बॉडी सरफेस. सो द हीट एनर्जी ऑफ वेपराइजेशन इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द बॉडी एंड दिस लीव्स आवर बॉडी कूल. और इससे हमें बॉडी को, हमारी बॉडी को क्या मिलती है, ठंडक. अब कॉटन, वाई कॉटन ओनली, सो कॉटन इज अ गुड एब्जॉर्बर. कॉटन इज अ गुड एब्जॉर्बर. वो तुरंत हमारे शरीर से पसीने को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको एक्सपोज कर देता है फॉर इवेपोरेशन. और जैसे ही उसकी इवेपोरेशन होती है वहाँ पर हमें क्या, कौन सा इफेक्ट मिलता है, वी फील कूलिंग, हमें ठंडक मिलती है. देयर इज वन मोर एग्जांपल, एसीटोन. ऑफकोर्स बहुत सारे जगह पर यूज़ होता है एसीटोन. नेल पेंट को रिमूव, इट इज रीयूज्ड एज नेल पेंट रिमूवर ऑल्सो. जब भी आप उसको हाथ पर रखते हो तो क्या होगा, यू विल फील कूल बिकॉज एसीटोन इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम हीट फ्रॉम योर पाम. आपकी हथेली से हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा तो टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा, आउटर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, यू विल स्टार्ट टू फील कूल. समटाइम्स बहुत ज़्यादा, अगर आपने देखा हो शीशे का एक ग्लास लिया, इसके अंदर आइस है और थोड़ा सा पानी है, आइसी वाटर, आइस कोल्ड वाटर है इसके अंदर, तो आप देखते हैं कि इसके बाहर छोटी छोटी पानी की बूंदें आ जाती हैं. वो छोटी छोटी पानी की बूंदें क्यों आती हैं, सी What is outside this glass? इस glass का temperature क्या है, temperature is very low. इस glass का temperature क्या है, बहुत कम. और इसके बाहर क्या है, air. इस glass के बाहर क्या है, air. air में क्या present है, vapors. air में क्या present है, vapors. vapors के क्या पास क्या होती है, heat energy, जो कि उन्होंने किसी ना किसी surface से absorb करी हुई होती है. ये heat energy जब इस cooled, इस चिल्ड सरफेस के साथ टकराती है तो हीट एनर्जी लूज़ हो जाती है. और हीट एनर्जी लूज़ होते ही क्या होगा, यहाँ पर उस वेपर का क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा. दिस इज़ द सेम प्रोसेस एज दैट ऑफ रेनफॉल. जैसे बारिश की जो प्रोसेस होती है वाटर साइकिल में, आप सबने पढ़ी है कि जैसे ही वेपर्स ऊपर हवा में जाएंगे वो ठंडे हो जाएंगे. वो ठंडे होंगे तो किस में बदल जाएंगे, ड्रॉपलेट्स में बदल जाएंगे. तो यहाँ पर ये जो कूलिंग का काम है ये कौन करता है, ये ग्लास का सरफेस करता है बिकॉज ऑफ इट्स टेम्परेचर. सो अदर देन दिस आई टोल्ड यू वी डिस्कस थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर. इसके अलावा दो स्टेट्स और होती हैं, एक होती है प्लाज्मा स्टेट. दिस इज ऑल मेंशनड इन योर एनसीईआरटी ऑल्सो. प्लाज्मा स्टेट बेसिकली सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स की होती है. सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड, this is a very technical term which you will study till the end of your bachelor degree in science. super energetic and super excited. excited means the particles are ionized,
पार्टिकल्स को उनकी हायर एनर्जी लेवल्स में पहुंचा दिया जाता है। किसके पार्टिकल्स? कुछ टाइप ऑफ गैसेस होती हैं, उन गैसेस के पार्टिकल्स को आयोनाइज करते हैं एंड दीज पार्टिकल्स ऑफ गैसेस ऑन आयोनाइजेशन दे प्रोड्यूस लाइट व्हेनेवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज पास थ्रू इट। सो दिस चार्जिंग अप क्रिएट्स अ प्लाज्मा इनसाइड द बल्ब और ट्यूब। जिस भी फ्लोरोसेंट मटेरियल के अंदर इसको डालते हैं, दिस क्रिएट्स अ प्लाज्मा एंड इट ग्लोज, और ये चमकता है विद अ स्पेशल कलर जो कि डिपेंड करता है उस नेचर ऑफ गैस की हम कौन सी। जनरली वी यूज हीलियम, नियॉन, सच गैसेज आर यूज जिनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होती है। यू विल स्टडी लेटर व्हाट आर दीज गैसेज। नेक्स्ट वन वॉज BEC, Bose Einstein condensate, of course, and a remarkable contribution to science by Satyendranath Bose and Einstein. This Einstein predicted this new state of matter, and two Nobel Prize winners were in 2001 was Eric A. Cornell, inko, and कार्ल ई वीमन इनको नोबल प्राइज मिला था 2001 में, बिकॉज इन्होंने ये बोस आइंस्टाइन स्टेट लेबोरेटरी में कंस्ट्रक्ट करके दिखा दी थी बाय कूलिंग अ गैस। सी प्लाज्मा इज ऑल अबाउट हीटिंग, गैस के पार्टिकल्स को बहुत हायर टेम्परेचर पर हीट कर देते। प्लाज्मा इज अबाउट हीटिंग गैसेज, मेकिंग देम इनटू आयंस, उनको सुपर एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं। बट बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, कंडेंसेट का मतलब क्या होता है? कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन, दीज आर द नेम्स ऑफ साइंटिस्ट हुज कंट्रीब्यूशन वाज इन दिस स्टेट ऑफ मैटर। सो कंडेंसेट इज रिलेटेड टू कूलिंग। सो cooling of a gas at extremely low density, about 100,000 of density of normal air to super low temperatures, cryo states basically, तो वहाँ पर मिलती है हमें the fifth state of matter that is called as Bose-Einstein condensate. This is not as important for you to study. So quickly revising all matter, what is matter? Anything which occupies space has mass, volume and can be perceived by any of our senses. It exists in three states basically, solid, liquid and gas. Forces of attraction of between particles, their maximum in solids, intermediate in liquids and their minimum or least in gases. Similarly, the space between constituent particles and kinetic energy are maximum in case of solids, intermediate in liquids and maximum space between particles is in case of gases and maximum kinetic energy with particles is also in case of gases, minimum is in case of solids, and these arrangement of particles can be interconvertible. So therefore the states of matter are also interconvertible. This can be done by two phenomena, either we change the temperature or we can change the pressure. So you learned about boiling, sublimation, evaporation, on what factors does evaporation depends, how evaporation causes cooling, what is latent heat of fusion, what is latent heat of vaporization. That was all in this lesson. Please read it and revise the video. Thank you.